नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी का विवादों से चोली दामन का रिश्ता है। अभी हाल ही में शाह महमूद कुरैशी के बयान से पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई और पाकिस्तान को सऊदी अरब से माफी मांगनी पड़ी, लेकिन सऊदी अरब माफ करने के मूड में नहीं है। फिर जल्दी जल्दी पाक सेना के जनरल कमर बाजवा सऊदी अरब के दौरे पर गए, लेकिन सऊदी अरब के सलमान इतने गुस्से में थे कि मिले तक ही नहीं और बाजवा को मुंह लटका के वापस पाकिस्तान आना पड़ा। उसी बीच पाक मीडिया में एक और खबर धड़ल्ले से चलने लगी है कि पाक विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने प्रधानमंत्री इमरान खान के प्रमुख सचिव आजम खान को थप्पड़ जड़ दिया है। जी हाँ, पाकिस्तानी न्यूज चैनल बोल न्यूज के अनुसार कुरैशी और आजम खान के बीच पहले कुछ देर तक तीखी बहसबाजी हुई और जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने खान को थप्पड़ रसीद कर दिया। खबरों के मुताबिक कुरैशी प्रधानमंत्री इमरान खान से मिलना चाहते थे और इसी बात को लेकर उनका आजम खान से विवाद हुआ, जिससे नाराज कुरैशी ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कुरैशी इमरान खान से मिलना चाहते थे और जब इमरान के प्रमुख सचिव आजम खान ने उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर ही रोक दिया और मिलने नहीं दिया और इसी बात से वो आग बबूला हो गए और आजम खान को कस के दे दिया। और ये घटना पाक पीएमओ में घटी और कुरैशी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री इमरान खान से शिकायत भी की है। फिलहाल इस घटना को लेकर अधिकारियों में कुरैशी के प्रति नाराजगी तो है ही, तो आप समझ सकते हैं कि कुरैशी की हरकत से क्या हो रहा है और अब ये देखना होगा कि इमरान खान इस पर क्या एक्शन लेते हैं। वैसे सऊदी पर बयान देने से पार्टी से लेकर पूरे पाकिस्तान में कुरैशी एकदम अलग थलग पड़े हुए हैं और ऊपर से सेना कुरैशी के बयान से काफ़ी गुस्से में है। और आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान में सेना के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है और राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अब पाक विदेश मंत्री के दिन गिने चुने रह गए हैं। अब ये देखना होगा कि कब तक उनकी कुर्सी बची रहती है।